Assalamualaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. Guys, essay writing is an essential task in the academic curriculum and entrance exams. It can be an easy task for natural writer and language lovers, but it could be tedious for others. So, in this video, we will discuss how to write an essay properly, and I hope that these tips will completely change your writing process. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं कि essay actually किसे कहते हैं. ये word essay जो हम childhood से सुनते हुए आ रहे हैं. The word essay means attempt. So an essay must always be the attempt of the writer to express his own thoughts, ideas and feelings. Guys, essay कोई रटने की चीज़ नहीं होती, बल्कि ये हमारे thoughts होते हैं, यानी एक writer के thoughts होते हैं, ख़यालात होते हैं कि हम क्या सोचते हैं एक topic के हवाले से. उसे अपने स्टाइल में लिखा जाए तो बेहतर है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए लिखने का, यानी जो स्टार्ट में लिखना हो वो स्टार्ट में लिखना चाहिए और एंड की बात हमें एंड में ही करनी चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमारी ग्रामर पर ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एसे राइटिंग. टिप नंबर वन इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है इस पर बात करेंगे, और इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिखेंगे उस पर भी बात करते हैं. द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू गिव योर रीडर अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू टेल और व्हाट योर एसे विल कवर. यानी इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि गिवन टॉपिक को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, यानी वो हम रीडर को एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड करेंगे कि हम क्या बताने वाले हैं और हमारा एसे क्या चीज़ कवर करेगा. अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले हम माइंड में मेन पॉइंट्स तैयार करें. मिसाल के तौर पर अगर टॉपिक है कंप्यूटर, सो आप बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक फैली हुई है. अगर एक टॉपिक है पिकनिक, तो लोग उसे कितना पसंद करते हैं और क्यों, हम इसके बारे में बात करेंगे. अगर किसी पर्सनालिटी पर ऐसे राइटिंग करनी हो तो लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं और क्यों, उसके बारे में बात करेंगे. यानी पर्सनालिटी की इंफॉर्मेशन देनी है. इसके अलावा हम कोई कोट ज़रूर ऐड करें, तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आती है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे राइटिंग के लिए हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी जब हम लिखेंगे हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम किस तरह लिख सकते हैं. इसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड स्टेप में हमें फैक्ट्स और डेटा प्रोवाइड करना होता है अपनी ऑडियंस को. इसको लिखने से क्या होता है हम बात कर लेते हैं. बेसिकली क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को. बाय राइटिंग फैक्ट्स और डेटा एंड एग्जांपल्स आर एसे कैन बी अ पावरफुल वे टू सपोर्ट आर आर्ग्यूमेंट्स एंड टू मेक आर एसे मोर परसुएसिव. यानी फैक्ट्स और डेटा और एग्जांपल्स कनेक्ट कर देने से क्या होगा कि हम जो भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होंगे ऐसे में, उसके ज़रिए से हम अपनी ऑडियंस को कायल कर सकते हैं अपनी बात पर. सो गाइस, कोई भी टॉपिक हो उसका डेटा या फैक्ट्स ज़रूर होते हैं कि कब से और कहां से इसकी शुरुआत हुई, कितने परसेंट लोग इस पर काम कर रहे हैं. कोई एग्जांपल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. ये याद रहे कि ऐसे राइटिंग करते वक्त हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कंजंक्शंस का यूज़ करना है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए. कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, कॉमास का यूज़ करना है. इन टॉपिक्स पर वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं चैनल पर. इसके अलावा वोकैबुलरी हमें अच्छी यूज़ करनी है, यानी कोई भी आम सी वोकैब हो तो उसका एडवांस्ड वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो डेली यूज़ होते हों, ऐसा ना हो कि रीडर के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं.
थर्ड स्टेप में हम प्रॉब्लम्स, करैक्टरिस्टिक्स या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। और अब ये किस तरह डिस्कस होगा, ये तीनों चीज़ें एक साथ डिस्कस होंगी कि अलग अलग होंगी, सेपरेटली होंगी, इस पर बात करते हैं। तो इसको क्या करना होता है, इट विल बी डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक, यानी ये हमारे टॉपिक पर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी सिटी यानी शहर के बारे में बात करेंगे तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, बल्कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी या फिर उसकी प्रॉब्लम्स, जिसकी भी डिमांड की जाएगी हम उसको डिस्कस करेंगे। किसी पर्सन की बात करें तो ऑब्वियसली हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमें फ़ायदा भी पहुंचा रहा हो और नुकसान भी, तो हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड स्टेप जो है ये टोटली डिपेंड करेगा हमारे टॉपिक पर, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज टू राइट कंक्लूजन। इसमें क्या करना होगा, समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर एसे टू ब्रिंग टुगेदर व्हाट यू हैव बीन सेइंग एंड टू मेक योर ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक वेरी क्लियर टू योर एग्जामिनर। यानी आखिर में आप अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि आपने क्या समझा और क्या बताना चाहा अपनी ऑडियंस को, यानी अपनी एडवाइस, थॉट्स या रेमेडियल स्टेप्स बताने हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमें अपना मैसेज डिलीवर करना है अपनी ऑडियंस को। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस लेसन वाज इजी टू फॉलो एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू एंजॉयड दिस लेसन, प्लीज हिट द लाइक बटन एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।